हाँ बताओ ये लड़का हाँ, कैसा ये है? अच्छा लग रहा है, ये वाला स्मार्ट है। हाँ, देखो। फोटोज देख रहे हैं, प्रिया के लिए 100% वेज ब्राह्मीन लड़कों के रिश्ते आए हैं। अंकल ये सब बकवास बंद कीजिए प्लीज। क्या आप समझते क्यों नहीं, प्रिया इनमें से किसी से भी शादी नहीं करेगी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये किसी और से प्यार करती है। लव? हाँ हाँ लव करती है, ये कोई मामूली वाला लव नहीं है, इट्स ब्लैक एंड व्हाइट लव। ब्लैक एंड व्हाइट? हाँ, प्रिया एक काले अफ्रीकन से प्यार करती है। हे, तू उसे सच में प्यार करती है ना? अंकल को बता मैंने जो कहा वो सच है। ये सही कह रही है पापा। उसका नाम बता। हरिदास नाम है उसका। कितने सालों से अफेयर है? चार साल से पापा। सिर्फ इतना ही नहीं, आज और अभी आप उससे मिलने वाले हैं। अपना दिल मजबूत कर लीजिए, अब से आपको झटकों की आदत डाल लेनी चाहिए। हरी बेबी। Hello, father-in-law. How are you? Sir, I want to marry your daughter. We are in deep love. Krishna! Mama! Krishna! Swami! मेरी इतनी सालों की तपस्या का ये फल दिया है मुझे। हर पल मैं आपका नाम जपता रहता हूँ, लेकिन आपने एक पल के लिए भी मेरे बारे में नहीं सोचा। चार सालों से मेरी बेटी का उस आदि मानव से चक्कर चल रहा है, आपने रोका क्यों नहीं? मैं हर दिन दिया जलाकर आपको रोशन करता हूँ, और आप है कि आपने मेरी जिंदगी में अंधेरा कर दिया स्वामी। अब कैसे मैं उस कोयले की खदान को अपना दामाद बना लूं स्वामी? नहीं नहीं, नो, आई डोंट एक्सेप्ट हिम एज माय सन इन लॉ स्वामी, आई डोंट एक्सेप्ट। अपना घर सब कुछ आपको मुबारक स्वामी, अब तुम्हारे हवाले वतन स्वामी, तुम्हारे हवाले। मैं रिजाइन करता हूँ, आप असाइन कर लो। कर दी ना स्वामी मेरी बदनामी। कृष्णा, आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका भक्त आपके सामने पॉइजन पिए। रोकेंगे मुझे? आप रोकेंगे मुझे? नहीं रोकेंगे, कोशिश भी नहीं करेंगे। मैं आपका एटीट्यूड समझ गया हूँ, यू कैन नॉट स्टॉप मी कृष्णा। अब कोई चारा घोटाला नहीं बचा। नो नो नथिंग टू वरी। Thank you. You're welcome. Baby. Don't cry. My daddy. Everything will be fine. Swami. अब कैसे तबीयत है उनकी? अब खतरे से बाहर है। तुमने तो कहा उन्होंने जहर ले लिया था। हाँ पिया तो था, लेकिन उसकी एक्सपायरी डेट ही निकल चुकी थी, इसीलिए कोई असर नहीं हुआ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो? क्या मैंने उन्हें जहर पिलाया था? इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने इरिटेट होकर अंकल को सब कुछ बता दिया, तुमने मजबूर किया। ए, अब अपनी ओवर एक्टिंग बंद कर। ये क्या, तू तो पलटी खा रही है, ये सब तेरे प्यार की वजह से किया। देखो जो हुआ सो हुआ, अब ये सोचो कि अंकल को कन्विंस कैसे करना है, ठीक है? बेबी बैठो ना बेबी। थैंक यू। बताओ प्रिया कैसे हैं पापा? पहले से काफी बेहतर है, तुम अपना प्लान बताओ। कल रात मैंने बहुत गहराई से तुम्हारे पापा के नेचर के बारे में सोचा। वैसे तो सुसाइड करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन उन्होंने पॉइजन वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया। इससे ये क्लियर होता है कि वो बहुत ही फट्टू और डरपोक किस्म के इंसान हैं। प्लान क्या है जल्दी से वो बताओ। मैं उसी पर तो आ रहा हूँ। देखो मेरा प्लान बहुत ही सिंपल सा है, उनके मंदिर जाते वक्त मैं भेष बदल कर उन पर चाकू से हमला करने वाला हूँ। तुम्हारा बेबी वहां पहुंचकर उन्हें बचा लेगा और वो इंप्रेस हो जाएंगे। या वो इंप्रेस हुए और वहां तुम्हारी और बेबी की शादी पक्की। इसे तुम प्लान कहते हो? हर दूसरी हिंदी फिल्म में यही वाहियात सा सीन होता है। और फिल्म में ये प्लान सक्सेसफुल होता है ना? तुम्हारे पापा ओल्ड जनरेशन के, तो प्लान ऐसा होना चाहिए जो उन्हें समझ में आए। नई चीज से वो कंफ्यूज हो सकते हैं। अब फैसला तुम्हारा है। डोंट टेल मी कि तू उस बकवास प्लान के बारे में सोच रही है। प्लान बुरा तो नहीं लग रहा है, मुझे लगता है ये प्लान 100% वर्क करेगा। बहुत इंटेलिजेंट हो।
जैसे ही प्लान सक्सेसफुल होगा तुम दोनों की शादी पक्की हो जाएगी। और जैसे ही तुम दोनों सेटल हो जाओगे हमारा भी सेटलमेंट हो जाएगा। कैसा सेटलमेंट? तुम्हें मुझे किस करना होगा। हे, इन दोनों की शादी होने पर मैं तुम्हें क्यों किस करूंगी? कर लेना यार, वरना इसका दिल दुखाकर तू कभी खुश नहीं रह पाएगी। बस प्रिया, ये बातें उसे समझ में नहीं आएंगी। हालांकि मेरे चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन मेरा दिल वरुण की इन मासूम बातों पर खूब हंसता है। मैं अपनी स्माइल को कंट्रोल कर लेती हूँ, वरना वो इन मुस्कुराहटों का एडवांटेज लेने लग जाएगा। दिखने में बदतमीज लगता है, लेकिन असल में बहुत ही डिसेंट है। क्या यार, बहुत सी लड़कियां निकम्मे लड़कों से प्यार करती हैं। तुम भी कुछ ऐसा ही कर लो। मुझ में अच्छाई ढूंढने की कोशिश क्यों करती रहती हो? मैं भी बाकी बदतमीज लोफर लड़कों जैसे ही तुम्हें किस कर लूंगा। तुम ऑलरेडी मेरे मन को किस कर चुके हो। जब भी मैं तुम्हें रात को ठंड में बिना शिकायत किए खुले आसमान के नीचे सड़क पर सोते हुए देखती हूँ, तो मुझे तुम पर बहुत प्यार आता है। सच तो ये है कि मैं 3 बार तुमसे मिलने यहाँ आ चुकी हूँ, लेकिन ये बात मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। आओ, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ए, स्टॉप। व्हाट इज दिस? जल्दी से रोकड़ा निकाल। यू मीन पैसा? हाँ, पैसा। नो पैसा। अच्छा? नो पैसा, नो पैसा। नो पैसा? जान से मार दूंगा। पैसा I'm निकाल। Sure, man. Why are you hitting me? Don't worry, father-in-law. I'm here. Hey, don't touch me. Hey, मैं समझ गया। ये सब नौटंकी है। तुमने पहले गुंडा भेजा, फिर हरि को भेजा, अब तेरे फाइटिंग बाप को पटाने। हीरोइन के बाप को पटाने के ऐसे घटिया आइडिया फिल्मों में देखे हैं। वो मुझ पर आजमा रहे हो। मैं उल्लू दिखता हूँ, लेकिन हूँ नहीं। इन्हें ये सब कैसे पता चला? भिशुम, अधिशुम, ए भिशुम। अरे, हमारे जमाने में ऐसे साउंड मुंह से निकल जाते थे। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वहाँ कौन है? अरे, मुझे ट्रैफिक लग गया था ना, बस 2 मिनट लेट हो गया। Please hitting my baby. जाओ, go. मुझे सब पता है। अभी नई एंट्री किसने ली? अरे बाप रे। कमर में मोच आ जाएगी। नो मनी, नो मनी। अरे कलमुए, मैं तेरा घटिया प्लान समझ गया हूँ। मेरी बेटी जरूर यहीं कहीं छुपकर ये सब तमाशा देख रही होगी। चुप जा, चुप जा। ए, इधर आओ, लाइन से खड़े रहो। जल्दी आओ। अब आती हो या घसीट कर लाऊं? भोले, तुम इन कपटियों के प्लान को नहीं समझ पाए ना? इस जंगली सांड से शादी करने के लिए मेरी खुद की बेटी ने मुझे यहाँ फंसा कर मुझ पर अटैक करवाने का घटिया प्लान बनाया। अरे, लव करना ही है तो ऐसे चिकने चॉकलेट से करो। थैंक यू सर। इट्स ऑल राइट। बेटा हयाती, तुम पर मैंने विश्वास किया, अपनी बेटी और मेरी वेलविशर माना, फिर भी तुमने इसका और इस जंगली भालू का साथ दिया। कल कुछ ऊंच नीच हो जाती तो मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाता? अब गलत समझ रहे। नो बेटी, नो। आई हेट एक्सप्लेनेशंस। आई हर्टेड, आई हर्टेड, I am continuously hurting. आज तुम्हारी वजह से अंकल ने मुझे गलत समझा। उनका और मेरा इतना अच्छा रिलेशन खराब करके रख दिया। अब मैं उनसे कैसे नजरें मिला पाऊंगी? तुम एक बात नहीं समझ रही हो, उन्हें हमारे बारे में सच्चाई पता चल गई है। अगला प्लान और इफेक्टिव होगा। अपने घटिया प्लान्स अपने पास ही रखो। चलो यहाँ से। ए हाथी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अरे हीरो, तुम यहाँ कैसे? मैं आपके आशीर्वाद के लिए आया हूँ। आशीर्वाद दीजिए। कृष्णा तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। जाओ। गुरुदेव। बोलो बेटा। एक छोटा सा संदेह है। वो क्या है? कृष्ण की जानकारी के बिना क्या कोई कार्य संभव है? इम्पॉसिबल। हम साधारण मनुष्य हैं, हमारे वश में कुछ भी नहीं। वी आर जस्ट एक्टर्स, ही इज द डायरेक्टर। और वो जो भी करता है उसके पीछे एक उद्देश्य, एक संदेश छुपा होता है। कौन है ये भक्त? ये वही है सर। वही? कौन वही? ये वो है, वो ये है। गुरुदेव, इस बार कोई ड्रामा नहीं है।
सुबह शाम मुर्गा और बकरा खाने वाला आपकी बेटी के प्यार में प्योर वेज हो गया है। दारू छोड़कर गंगा जल का सेवन करने लगा है और आपको इम्प्रेस करने के लिए इंडियन भजन सीख रहा है। इसे शादी के लिए आपकी इजाजत चाहिए। अगर अब भी आप नहीं माने गुरुदेव तो ये अभी एक भजन गाएगा। ए, चल हो जा शुरू। I love Priya. Please bless me, father-in-law. I need your blessings. Please, father-in-law. Please, मान जाइए। मुझे आपकी प्लानिंग समझ में आ गई। अगर वो मेरा दामाद बन जाता है तो साउथ अफ्रीका में भी आपकी लीलाओं को एस्टेब्लिश किया जा सकता है। पर ये प्लानिंग का खेल क्यों खेला? हार्ट टू हार्ट वाईफाई से बात कर सकते थे, नहीं तो ट्विटर, फेसबुक या व्हाट्सएप पर चैट कर लेते। हमारे बीच ये कम्युनिकेशन गैप कहां से आ गया? कृष्णा, इन्फॉर्म नहीं किया, सडन प्लान बनाया, मैं सबके सामने हंसी का पात्र बन गया। व्हाट इज दिस? मैं आपकी हर आज्ञा मानता हूं। आई एम योर सर्वेंट, यू नो। आई हर्ट इट। वरुण, पापा दीदी की शादी के लिए मान गए हैं। वो थैंक यू सो मच वरुण, जल्दी शादी की डेट फिक्स करने वाले हैं। Thank you so much, Varun. You've made my life. That's okay. Thank you very much, Varun. I really appreciate that. Anytime. Because of you, it has happened. You were great, Varun. मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अपने बारे में कुछ बताओ। जैसे कि? Life में goal क्या है? बिना किसी goal के जीना यही goal है। बिना किसी goal के career कैसे बनेगा? मैं ज़िंदगी में कुछ बनना ही नहीं चाहता। यही करना चाहता हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? ना मेरा कोई घर है ना बनाना है। और सेविंग्स? I hate savings. मेरे पास कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है। So, you're roaming like a beggar. Almost. बस भीख नहीं मांगता, नौकरियां कर लेता हूँ, आज यहाँ तो कल वहाँ, एक दिन ऐसे ही मर जाऊंगा। वैसे जानवर भी इसी तरह गुजारा करते हैं, तुम में और उनमें कोई फर्क ही नहीं। नहीं है। ऐसे लड़के से कौन लड़की प्यार करना चाहेगी? कोई बात नहीं, ना मुझे लड़कियों की जरूरत है ना ही उनके प्यार की। मैं किसी के लिए नहीं तड़पने वाला। तो तुम चाहते हो कि लड़की तुम्हें किस करे पर प्यार ना करे? हाँ exactly. कौन सी लड़की ऐसा करेगी? जो मुझे पसंद करेगी। ऐसे तो तुम्हें कोई नहीं मिलने वाली। मुझे इस बात से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हयाती, तुम्हें लड़कों का एक सीक्रेट बताता हूँ। हम किसी लड़की को देखते हैं, उसके साथ नैन मटक्का करते हैं, फिर नंबर एक्सचेंज होते हैं, फिर मिस यू बेबी, मिस यू स्वीटी, ओ सो क्यूट, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर एक दूसरे को पकाते रहते हैं, अपनी रातों की नींद हराम करते हैं, कैंडल लाइट डिनर पर पैसे खर्च करते हैं, इतनी मेहनत के बाद जब एक किस मिल जाती है तो हाय दिल खुश हो जाता है, ब्रेकअप के सिम्टम्स दिखते ही दूसरी लड़की ढूंढते हैं, सेम प्रोसेस फिर से शुरू होती है। एक्चुअली मॉरल ऑफ द स्टोरी इज हयाती, लड़के सिर्फ इस प्रोसेस से प्यार करते हैं, किसी लड़की से नहीं। फिर भी लड़कियों को लगता है लड़के उन पर मरते हैं। एक और राज बताऊं, लड़कियां भी इसी प्रोसेस से प्यार करती हैं, लड़कों की फीलिंग से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो है थी। अब इस किस के लिए मुझे कौन से काम करने होंगे बताओ।